नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी व्यापम के एग्ज़ाम देते हैं या फिर आपने व्यापम के थ्रू जो एग्ज़ाम दिया है, टीचर भर्ती जो एग्ज़ाम हुआ था वर्ग एक और वर्ग दो का, मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि उसका रिजल्ट कब आ सकता है, कब नहीं आ सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, जो व्यापम का एग्ज़ाम है आचार संहिता से पहले हुआ था, और जो आचार संहिता लगने के बाद इसका रिजल्ट काफ़ी लेट हो गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो रिजल्ट है दोस्तों वो बहुत जल्दी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ सकता है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा, व्यापम की साइट पर जो आपने देखा होगा, आजकल व्यापम और एमपी ऑनलाइन के थ्रू जितने भी एग्जाम हुए सभी के रिजल्ट आना शुरू हो रहे हैं। अभी इसमें आपको ये लेटेस्ट अपडेट ब्लू कलर में देख, इसमें सबसे नीचे फाइनल रिजल्ट जेल प्रेरी कार्यपालक रिक्रूटमेंट टेस्ट 2018, यानी कि दोस्तों जो जेल प्रेरी का जो रिजल्ट रुका था फाइनल रिजल्ट, वो भी आ चुका है। तो व्यापम ने दोस्तों काम करना शुरू कर दिया है, और आप यकीन मानिए आपको बहुत जल्द ही जो एमपी टीचर भर्ती जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो आप आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए पूरी तैयारी रखिए। आपको बहुत जल्दी दोस्तों एमपी का जो व्यापम का जो रिजल्ट है टीचर भर्ती का, वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों व्यापम ने अभी एक तो एमपी ऑनलाइन के थ्रू जो एमपी आईडीसी का जो पेपर हुआ था ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का, उसका रिजल्ट आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट था एमपी जेल प्रेरी का, जो कि 2018 का एग्ज़ाम था, जनवरी फरवरी के आसपास एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी रिजल्ट दोस्तों आ चुका है। तो आप तैयार रहिए अपने जो भी प्रोसेस है उसके लिए। तो एमपी के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ था टीचर भर्ती का, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी दोस्तों आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।